देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से, और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना अक्षर साइज 10.1 में थे, और उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि जब आपके पास रेशो की वैल्यू गिवन हो और आपने रेशो की वैल्यू बतानी हो तो आपका ये वाला बेस यूज होगा भाई, ठीक है ना। कई बार बता लिया तो आप क्वेश्चन देखो, और वो आप कब बता पाओगे, जब आपके पास बेस, हाइपोटेनस और पेंडिकुलर होगा, और वो सारा कुछ गिवन तो निकला होगा। देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 15 करवा था भाई, अब तुम 16, 17, 18 और 19 चारों में से कर लो भाई, एक 19, 20, बल्कि तुम जो है ना 21 तक, 16 से लेकर 21 तक कोई सा बोलो। चलो मैं आपको 19 करवा दूँ मैं, थोड़ा सा डिवाइड में भी लिखा हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहो भाई, इफ कोस थीटा इक्वल टू 3/5 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, साइन थीटा माइनस 1/tan θ, और डिवाइड में है भाई 2 tan θ, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होगा, और वो आपके यहाँ से निकलेंगे। शुरुआत कैसे करनी है सब कुछ बता रखे हैं भाई, तो शुरुआत करोगे एक राइट एंगल ट्रेंगल को लेकर, तो लेना भाई इसको ए, इसको बी, और इसको क्या नाम दोगे, सी नाम देना भाई। तो ऐसे लिखोगे कंसीडर ए ट्रेंगल ए बी सी, इन विच, जिसके अंदर एंगल सी मेरा कौन है भाई, 90 है, एंगल सी इक्वल टू कोण 90। उसके बाद अब 90 के सामने कौन होगा, 90 के सामने होता हाइपोटेनस, उसके बाद जो दो बाकी बच गई वो मेरा बेस होगा और परपेंडिकुलर, वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है थीटा के ऊपर, कि थीटा आप ये ले रहे हो कि ये ले रहे हो, अगर मैं थीटा इसको लूंगा तो ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, इसको लूंगा तो ये होगा। अब ए या बी मत लिखो तो आप इन्हें मत लोगे, अब यहाँ थीटा लिखो तो आपकी मन मर्जी है, चलो मैंने इसको मान लिया थीटा भाई, तो एंगल ए को मान लिया ना, तो 4 angle A, तो एंगल के सामने कौन होगा मेरा परपेंडिकुलर, तो वी हैव, तो भी बीसी मेरा कौन होगा, तो बीसी मेरा बनेगा परपेंडिकुलर, तो एसी पे मेरा बेस हो जाएगा, एसी मेरा कौन हो जाएगा बेस, और एबी कौन होगा मेरा हाइपोटेनस, एबी मेरा कौन होगा भाई हाइपोटेनस होगा। उसके बाद जो रेशो की वैल्यू आपको गिवन है वो लिखोगे, हर बार सेम टू सेम है भाई, किसकी वैल्यू गिवन है, कोस थीटा की, कोस थीटा इक्वल टू कौन 3/5, और कोस थीटा अपने वाला कौन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अपने वाला कौन होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमने किसको माना है, बेस हमने माना है एसी को, अपॉन हाइपोटेनस भाई वो हमने मान रखा है एबी को। अब क्या बता रखा है, ऊपर वाली वैल्यू एसी की, नीचे वाली वैल्यू एबी, और साथ में के लिखोगे, तो लेट एसी इक्वल टू 3k और एबी इक्वल टू कौन भाई, एबी इक्वल टू 5k। उसके बाद भाई एसी हो गया, एबी हो गया, कर का पाइथागोरस का यूज, बीसी निकाल लो, तो यूजिंग
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करो यूज भाई, तो क्या होती है मेरी पाइथागोरस से ए बी का स्क्वायर क्या होते है भाई, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन बी सी का स्क्वायर और प्लस में कौन ए सी का स्क्वायर। अब देखो अब मेरे पास कौन नहीं है, मेरे पास शायद बी सी नहीं है, तो बी सी का स्क्वायर कौन होगा, तो बी सी का स्क्वायर होगा इसको ले जाओ ना, इसको ले जाओ इस साइड, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस में कौन ए सी का स्क्वायर होगा। अब लिखो वैल्यू भाई, तो ए बी कौन है, ए बी मेरी पांच के, तो पांच के का स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो 3 के का स्क्वायर कौन होगा भाई, वो आपका बनेगा 9 के स्क्वायर बनेगा। अब देखो एक बार, तो क्या कुछ बनेगा ये, अब देखो तो जो बी सी का स्क्वायर है ना, तो बी सी का स्क्वायर कौन आया मेरा 25 में से 9 गया यानी 16 के स्क्वायर आया, तो बी सी कौन होगी भाई, तो बी सी मेरी बनेगी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा करना इसका, स्क्वायर रूट 16 का रूट 4 और यहाँ रूट तो स्क्वायर कट गया यानी बी सी मेरी कौन होगी भाई 4 के बनेगी। और एक बार मेरे पास बेस हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आ गए, अब तो मैं बता पाऊँ उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपने बतानी है, तो लिखो भी दो भाई, ऊपर है साइन थीटा तो साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूस, करो भी दो भाई परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेन्यूस यानी बी सी अपोन ए बी करना, बी सी अपोन ए बी, बी सी अपोन ए बी 4 के बटे में 5 के तक तो कट जाएगा यानी 4 बटे 5 माइनस 1 अपोन टेंजेंट थीटा, टेंजेंट मेरा कौन होता है परपेंडिकुलर अपोन बेस, करना एक बार परपेंडिकुलर अपोन बेस यानी बी सी अपोन ए सी करो, बी सी अपोन ए सी, बी सी अपोन ए सी यानी 4 के बटे में 3 के तक के कट गया यानी 4/3 4/3 डिवाइड में भाई 2 टेंजेंट थीटा वही 4/3 आनी है, वही कौन आनी है भाई 4/3। अब आपका ये बनेगा, ये ऊपर पहुंच जाओ, ये 1/4/3 तो ऊपर हो जाएगा ये यानी 4/5 माइनस, तो उल्टा हो जाएगा ये 3/4 और डिवाइड में कौन नहीं हो 2 × 8 यानी 8/3। अब ऊपर लोगे एलसीएम, तो एलसीएम कौन होगा ऊपर वाला होगा भाई 5 × 20, अब देखो 20/5 4 4 × 16 माइनस 20/4 5 और 5 × 3 = 15 और डिवाइड में कौन है भाई 8/3। तो अब आपका ये क्या बनेगा, 16 में से 15 गया 1 यानी 1/20 डिवाइड में 8/3 भाई। अब ये पलट जाएगा 8/3 तो ऊपर 3/8 हो जाएगा, देखो 1/20 तो है और ये मेरा हो जाएगा 3/8 यानी आपका बनेगा भाई 3/160। अगर मैंने कहीं पर कोई गलती ना करी होगी तो, अगर करी होगी तो आपने ठीक कर ली होगी वरना मैंने देखो ये सही, मेरा काम तो सिर्फ ये यहाँ तक बताने का है कि एक बार बेस हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आगे उसके बाद देख देख कर लिखनी तो वैल्यू और ये फिर बाद में सिंप्लीफाई करना है। एक और देखो भाई, सब में सेम टू सेम स्टेप है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। देखो ये और देखो ऐसा ही आपके क्वेश्चन नंबर 19, अब 20 आपने करना है, 21 भी तुम कर लियो, चलो मैं आपको 22 करवा दूं, इसमें ए और बी के फॉर्म में है ना, 22 देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू हुई, सीकेंट थीटा, फाइंड सीकेंट थीटा प्लस में कौन टेंजेंट थीटा में, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, यानी जो इनकी वैल्यू है ना वो ए और बी के फॉर्म में आनी चाहिए, जो आंसर है ना उसमें आपको ए और बी नजर आने चाहिए, ये मतलब है भाई। तो शुरुआत तो वैसे करोगे, रेशो की वैल्यू गिवन है और रेशो की वैल्यू ही बतानी है, तो शुरुआत तो कैसे करनी है, एक राइट एंगल ट्रेंगल को कंसीडर कर करना भाई, तो इसको ए, इसको बी और इसको नाम दोगे सी भाई, तो वही सेम टू सेम स्टेप सॉल्यूशन, कंसीडर ए, कंसीडर ए ट्रेंगल ए बी सी इन विच जिसके अंदर एंगल सी मेरा कौन है भाई, एंगल सी मेरा है 90, एंगल सी मेरा कौन है 90 है, उसके बाद आपके बार में आप थीटा लिखा ना तो आपकी मन मर्जी होगी, चाहे एंगल इसको मानो चाहे इसको मानो, चलो मैंने एंगल इसको मान लिया, तो फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, तो वी है वो, अब देखो कोण क्या बनेगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी बी सी मेरा कोण होगा, तो बी सी मेरा बनेगा भाई परपेंडिकुलर, उसके बाद 90 के सामने हाइपोटेनस, यानी ए बी मेरा कोण होगा, तो ए बी मेरा बनेगा हाइपोटेनस, और एसी मेरा कौन होगा, एसी मेरा बनेगा बेस, एसी इक्वल टू कौन होगा भाई बेस बनेगा, उसके बाद जो रेशो की वैल्यू वो लिखोगे, तो नाउ लिखो भाई साइन थीटा इक्वल टू कौन है मेरी भाई ए अपॉन बी है, उसके बाद चेक करोगे कि जो साइन थीटा अपने वाला कौन होता है, अपने वाला कौन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपने वाला होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब किसको माना हमने परपेंडिकुलर बीसी को भाई, अपॉन हाइपोटेन्यूस किसको माना है ए बी को मान रखे हैं, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू बीसी की नीचे वाली ए बी की पर साथ में के लगाओगे, तो लेट बी सी इक्वल टू ए के और ए बी इक्वल टू कौन भाई बी के, अब करके पाइथागोरस का यूज कौन निकाल लो ए सी निकाल लोगे, तो यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होते है मेरी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन भाई ए सी का स्क्वायर प्लस में कौन बी सी का स्क्वायर भाई, प्लस में कौन बी सी का स्क्वायर, अब देखो किसकी वैल्यू हमने बतानी है, किसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, बी सी और ए बी है ना, बी सी और ए बी ए सी निकालना ले अब इसको इस साइड, तो ए सी का स्क्वायर कौन होगा ए बी का स्क्वायर माइनस, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर में, अब लिखो वैल्यू ए बी का कौन है यानी बी के का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा, अब देखो यहां से के स्क्वायर कॉमन है वैसे ले लो कॉमन के स्क्वायर, अंदर कौन बचेगा बी स्क्वायर माइनस में कौन ए स्क्वायर, ये तो मेरी ए सी का स्क्वायर आया है,
तो एसी कौन होगा, इसका रूट हो जाएगा, तो एसी मेरा कौन होगा, इसका रूट। और जब तुम इसका रूट लोगे, यहाँ पर रूट तो स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर तो के आ गया, पर इसके ऊपर तो रूट रहा होगा भाई, इसको यहाँ पर भी कट जाए, बीच में माइनस है, यहाँ पर रूट तो स्क्वायर नहीं कटेगा, बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो रूट तो स्क्वायर नहीं कटेंगे, तो आपका ए सी आ गया। अब ए सी ए बी बी सी सब कुछ आ गया ना, तो निकाल दो उसकी वैल्यू, तो सिकेंट थीटा, सिकेंट होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, करो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यानी ये अपॉन ये करना है, के तक के कट गया, तो बी अपॉन ये करना है, बी अपॉन रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए सी, करो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, के तक के कट गया, यानी ए अपॉन आओगे वो, ए अपॉन रूट बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो एलसीएम लोगे, अब दोनों जगह सेम है तो एलसीएम होगा मेरा भाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसी को कैंसिल हो गया तो बी प्लस, इसी को कैंसिल हो गया तो ए, ये आंसर आ गया। अरे वो यही को होता, इसका जो आंसर है ना वो ए और बी के फॉर्म में आना चाहिए, देखो ए और बी के फॉर्म में आ गया। अगर आपको बिल्कुल और भी सोल्व करना हो, थोड़ा बहुत और भी सोल्व हो सकता है, मिलाने के बाद सोल्व में क्या लिखा हुआ है, 22 है ना, 22 भाई, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रखे हैं, और वो और सिंप्लीफाई कैसे कर रखे हैं, ऊपर तो b प्लस a है, नीचे इसको खोल लो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी b माइनस ए और b प्लस ए, उसके बाद ये रूट इसके ऊपर भी, रूट इसके ऊपर भी, और जो रूट है ना वो दोनों को ऊपर है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसको रेंड रुको लो, और इसका इसके साथ मिला दो, इसका रूट इसके साथ में मिला दो, ये वन पावर है, नीचे ये वन बाई टू है, रूट मतलब वन बाई टू, ऊपर वन पावर, नीचे वन बाई टू पावर, बेस आपके सेम है, जब बेस सेम तो पावर माइनस हो जाएगा, ऊपर वन नीचे वन बाई टू, तो वन माइनस वन बाई टू ऊपर वन बाई टू बजेगी, यानी ऊपर रूट आ जाएगा, तो रूट बी प्लस ए अपॉन में कौन, रूट बी माइनस ए, और उसके बाद रूट इसके ऊपर भी, रूट इसके ऊपर भी है, तो इकट्ठा लिख दो भाई, यानी बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, अब मैच भी हो गया, सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, बाकी मैंने बता दिया, चलो तुमने यहां तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।